अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शहजाद ज़मान ख़ान है और मैं आपको बताऊंगा कि मेरी ज़िंदगी में ये चेंज कैसे आया। जो लोग कहते हैं कि इस दौर में कि मौजे नहीं होते, ये एक मौजा ही है एक किस्म का, कि जो मेरे जानने वाले मिलते हैं, मुझे देखते हैं और वो सारे बड़े खुश भी होते हैं, हैरान भी, परेशान भी कि ये एकदम कैसे चेंज आ गया। जिसने एक बिगड़े रही ज़्यादा होते हैं, वो ज़िंदगी थी, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छी जो जो एक नौजवान को ज़रूरत थी, वो तमाम ज़रूरतें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थी। फिर इस्लामाबाद में नाम था, लोग जानते थे, इज्जत करते थे, लोग डरते थे और हमें मज़ा आता था लोगों को डरा के, कि हम कहीं जाते थे तो लोग हमें देख के खड़े हो जाते थे, या अगर हम किसी दुकान से कोई चीज़ देते थे तो पैसे हमसे नहीं लेते थे, डरते थे हमसे कि ये मारेंगे हमें, तंग करेंगे। वो उसी में ज़िंदगी गुजर रही थी। मैं शिकार शौकीन था, शिकार खेलता हूँ, अभी भी कभी कभी चला जाता हूँ शिकार के। मैं गया था, हम सुहावा की पहाड़ी चढ़ रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो मैंने बोला गाड़ी रोको, तो मैं ऐसे गाड़ी रोक के नीचे उतरा और मैंने ऐसे हाथ ऊपर उठाए, मैंने कहा या अल्लाह अगर मेरी किस्मत में हिदायत है तो दे दे, वरना ऐसे ही ठीक है। इतनी बात हुई, मैं घर आया, घर आया फिर एक अंदर जाहिर सी बात है मुसलमान है, इंसान है, एक अंदर हमारे मोमिन हर जगह हर जर्रे में मौजूद होता है। तो मुझे एक मलामत सी शुरू हुई, मैंने कपड़े पहने होटल आया, होटल इंटर हुआ तो जो ही मैं रिसेप्शन से अपने होटल में आया तो वहां मैंने देखा कि दो साथी बैठे हुए तस्बीहात कर रहे हैं, इतनी इतनी उनकी दाढ़ियां थी। मैंने ऐसे देखा और इग्नोर कर गया। वो मिले मुझे, ऑफिस ले आया मैं, मेरे एक जानने वाले थे पुराने, वो आ गए। मैंने बोला भाई ये क्या तुमने दाढ़ियां रखी हुई इतनी बड़ी बड़ी कहाँ? बोले जी हम तबलीगी जमात में चल रहे हैं। मतलब तबलीगी जमात? मैंने कहा ये कौन सी जमात है, पहली दफा नाम सुना था, कभी जिंदगी में जिक्र नहीं सुना था। तो अब उन्होंने मुझे बोला कि आई जी मस्जिद चलते हैं। जब मैं उनको छोड़ने मस्जिद में गया तो मस्जिद के गेट पर पहुंचे, मैंने जी ये मस्जिद आपकी आ गई। तो कहने लगे आप अंदर तो आए? मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा, मुसलमान हूं। तो पता नहीं कितने सालों बाद मैंने मस्जिद के अंदर कदम रखा, तो वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। अल्लाह के घर में गया, फिर मैं तबलीगी जमात वालों के साथ बैठा वहां जाके, तो मुझे इस काम से कोई वाकफियत नहीं थी। एक साथी थे हमारे होटल की, जो उनका भी होटल है, उन्होंने भी मुझे बोला कि शराज भाई हम 3 दिन के लिए जा रहे हैं, हमारे साथ चले आओ। मैंने ठीक है चलते हैं। मैं 3 दिन उनके साथ चला गया जमात में, तो 3 दिन लगा कर वापस आया। तो फिर बैठे साथी, मैंने बोला ये काम तो असल यही है, इसका एंड किया है कहा 4 महीने, मेला में 4 महीने के लिए जाना चाहता हूँ। वहां से मैंने 4 महीने लगाए और 4 महीने में मेरी तश्कील हुई वारगा बांडा। जिंदगी में पहली दफा मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर किया, पहली दफा वहां जाके इज्तिमा में जमीन पे सोया, मिट्टी में 4 महीने इस तरह लगाए हमने। एक लाइफ टर्न हुई ना, लाइफ में चेंज आया, वापस आया, इस्लामाबाद आया, आके जमात में जुड़ गया, काम करना शुरू कर दिया जमात के साथ। फिर एक लाइफ ने चेंज खाया, शैतान जो आपको पता है अजल से दुश्मन है, शैतान इंसान को बहकाता है और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत है, अल्लाह उसको रास्ता दिखाते हैं और वापस अपने पर सामने लाके खड़ा कर देते हैं। मुझे टर्निंग पॉइंट आया, मैं वहां से मैंने बस शैतान ने बहकाया, एक ऐसा हालात वाकया चले, मैं यहां से फिर इंग्लैंड चला गया, दाढ़ी कटाई में इंग्लैंड चला गया। 10 साल में इंग्लैंड रहा, इंग्लैंड में वहां पर मेरा बिजनेस था, ऑफ लाइसेंस शॉप्स थी, क्लब था मेरा अपना। वो अजीब जिंदगी वहां दोबारा 10 साल अजीब जिंदगी में, लेकिन सुकून नहीं, बेचैनी हर वक्त, पैसा कमाया, पैसा कमा रहा था, लग्जरियस लाइफ थी वहां पे, अपना घर था, मर्सिडीज गाड़ियां रखी हुई थी, घूमना फिरना सारा कुछ था, लेकिन सुकून एक जिंदगी में नहीं आ रहा था। तो वो अल्लाह से मांगता भी था, रोता भी था, लेकिन वो एक निकल नहीं पा रहा था उससे। फिर एक ऐसा हुआ कि मैं पेट्रोल डाल रहा था, मैं गाड़ी में पेट्रोल डाला था लंदन वहां पर इंग्लैंड में, तो मैंने गाड़ी में देखा कोई जमात वाले अमामे वाले टोपियों वाले बैठे हुए, तो मैंने उनको ऐसे दूर से देखा तो सलाम किया, मैंने वालेकुम सलाम किया, मैं निकला, वो मेरे पीछे मेरे घर आए, घर आए, अंदर आए, अंदर आके बिठाया मैंने, तो पिंडी के उनमें आलिम थे माशाल्लाह, वो बुजुर्ग थे, तो मुझे उन्होंने दावत दी कि हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा, जो तबलीग वाले जो बात स्टार्ट करते हैं, उन्होंने बात की, मैंने वो बात सुनी उनकी और फिर मैंने बताया कि हजरत मैंने 4 महीने लगाए हुए। तो उन्होंने जब 4 महीने का सुना तो एक बुजुर्ग मेरे गले लग के रोना शुरू हो गए और बड़ा रोए,
और कहा कि हमने तो ये काम इसलिए सीखा था कि हम पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन को जिंदा करेंगे और हमारा ये हीरा तो फिर आगे कोयले में दफन हो गया। खैर बड़ी बैठे, 5-10 मिनट बैठे, वो चले गए, लेकिन एक दिल में शमा जला गए थे। फिर क्रिसमस के दिन थे, मैं अपने घर में था और फ्रेंच कट मैंने रखी हुई थी, तो मैंने साइड से देखा, तो वहाँ देखा तो बाहर पादरी खड़े हुए थे। तो मैंने उनको बोला, मैंने उनको बोला कि कहते हैं वो कि अगर आप बुरा ना माने बाहर आएंगे, तो मैंने बोला मैं मुसलमान हूँ, मैं क्यों बाहर हूँ। तो मुझे देख के ऊपर तक नीचे वो कहते हैं कि तुम मुसलमान लगते नहीं हो। तो कैसे वो मुसलमान कहते, ड्रिंक्स मेरे हाथ में थी और नशे में था, तो मैं बाहर निकला। उन्होंने मुझे फिर दावत देनी शुरू की, गॉड का बेटा तुम्हें बुला रहा है, गॉड के बेटे ने, तौबा नाउज़ुबिल्लाह जो थी उनकी, और मैं वहां अस्तग़फ़ार करता रहा। मैं चले गए, वो मैं अंदर आया, अंदर बैठा मैं रो रहा था। मेरे साथी आए, दोस्त था, उसने बोला क्या बात है, सब खैरियत है पाकिस्तान में? खैरियत है? मैंने बोला पाकिस्तान में तो खैरियत है लेकिन अब यहाँ खैरियत नहीं है। तो मैंने क्यों क्या था, क्या हुआ? मैंने कहा आज एक क्रिश्चियन मुझे जाके कह कर गया कि तुम मुसलमान नहीं लगते, तो अब एक अवसर पर मेरा नबी मुझे कैसे पहचानेगा। बस वो मेरा उस टाइम था, मैंने वहां वाइंड अप किया। मेरे साथ मेरा पार्टनर था ईरानी, क्रिश्चियन हो गया था वो लड़का, तो मैंने उसको ये हैंड ओवर किया। मेरा जो ऑफिस में शॉप थी वो एक सिख था, उसको दे दी मैंने, और मैं वहां से वापस पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आया, आके यहाँ पर तौबा की, फिर अल्लाह के काम में लगा, दीन के काम में लगा, और अभी आप लोगों के सामने हूँ। अल्लाह हाफिज़ तो इस्तकामत दे, और अल्लाह परवरदिगार हमसे दीन का काम क़यामत तक के आने वाले आखिरी इंसान के लिए हमसे ले ले, और यही एक टर्निंग पॉइंट है। और असल ज़िंदगी जब मैं बैठा हूँ, ये असल ज़िंदगी है मेरे भाइयों, और खुदा की कसम और कोई रास्ता नहीं कि हम कहीं भाग सकें। जाना अल्लाह के पास है, तो बेहतर ये कि दो कदमों से चले जाएँ, ना कि चार कंधों पर जाएँ।